वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइच इंडस्ट्रीज के बारे में। टाइच इंडस्ट्रीज बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाइयों और दवाइयों का पार्टिकल्स और होता ना बहुत सारे इंटरमीडिएट चीजों पे काम करती है, पर दवाइयों के फील्ड में मेजर काम है। ये कुछ चीजें हैं और कुछ कैटेगरीज है जिनपे ये काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं, डायरिया हो गया, होता ना आपका एंटी रेट्रोवियल हो गया, आर्थराइटिस में मतलब जॉइंट पेन आपको हो गया, और ये सब मेजर फोकस यही है इनका, जॉइंट पेन और सब चीजों के ऊपर। साथ में ये लोग इंटरमीडिएट टिप में भी काम करते हैं, और ये सब इनका यूजेस टू स्टेरलाइन करना और होता ना सोफालाइन करना, ये सब चीजें जो मेडिकल स्टूडेंट्स को समझ में आएगी। पर आपको साफ साफ बताएं तो इनका काम बेसिकली सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करना नहीं है, पर साथ ही साथ में जो एंड प्रोडक्ट सिर्फ सप्लाई चेन का पार्ट्स को बनाते हैं लोग, ना कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट है। ये जो है ग्लूकामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इसके ये लोग इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और बेसिकली ये वाला जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, और उसका मार्केट है 767 मिलियन डॉलर्स का, US डॉलर, ठीक है, 2020 का है। अभी ये रिसेंट डेटा हमको मिल नहीं पाया इसके ऊपर में। सेंटर जैसे आप जानते ही हैं कि होगा ना, लाइक बहुत ज्यादा पुश दे रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में बनाने का, तो ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया में बना रही है आंध्र प्रदेश में। सो ये कंपनी ऑलरेडी एक इंडिया में सेटअप है इनका, और साथ में इंडिया एक फार्मा सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां से वो लोग 70% ऑफ द ड्रग्स, बल्क ड्रग्स लाइक बेचेगा, जैसे चाइना बेचता है। वो हैदराबाद में बन रहा है, इनका ऑफिस भी हैदराबाद में, इनका फैक्ट्री भी हैदराबाद से थोड़ा सा ही दूर है, तो उसी रेंज में, उसी हब में बन रहा है। तो इनको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा स्कीम्स का जो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है इनको देने का। साथ ही में अगर आप देखिए जो लाइक इंफ्रा पुश है गवर्नमेंट की तरफ से लाइक फार्मा को लेके, फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, सप्लाई चेन बनाना चाहती है। इंफ्रा जब हम लोग सोचते हैं, लोग सिर्फ लाइक होता है रस्तों के बारे में सोचते हैं, और होता है ना हाईवेज हो गया आपका, रेलवेज हो गया, बट फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना वो रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, लाइक होता है आपका होता है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना उस सेगमेंट में, इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि फार्मास का ही हमेशा शिकायत रही, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देता ठीक से। डोमेस्टिक जो आप देख सकते हैं कंजम्पशन काफी हाई है इनका, और साथ ही साथ में अगर आप एक्सपोर्ट भी देखें तो एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे राइज कर रहा है, बट ऑन अ स्लोइंग पेस कंपेरेटिवली, बट इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है वो पिकअप कर रहा है, क्योंकि एट द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस आपको क्या पता करेंसी डिफरेंशियल में थोड़ा सा हेल्प कर दे, बट लॉन्ग रन में डोमेस्टिक बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक इंडियन बिजनेस के लिए। 184 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, जिससे मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिक, डायरिया और एंटीसाइकोसिस डिप्रेशन की दवाइयां बनाते हैं ये लोग। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये ग्लाइकोसिमिन हाइड्रोक्लोराइड का, और हमें देख सकते हैं कि और भी बहुत सारा रेगुलेटरी जो होता है ना, आप कोई भी दवाई की कंपनी अगर आप है ना, तो आपको बहुत सारा क्लियरेंसेस चाहिए, चाहे वो आप EU से ले हो या फिर US में जो है आपका होता ना, तो ये लाइसेंसेस ले रहे कि आप दवाई क्वालिटी का है। 14 करोड़ का सेल्स था 2020 में मार्च में, आज 25 करोड़ का है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें तो 4,10,000 का हो गया, जो कि एक्चुअली फॉलिंग में है लाइक अगर आप दिए कर्व में, बट जो कि अभी सप्लाई चेन का कॉस्ट सबका बढ़ गया है, तो विच इज अ फेयर इनफ थिंग कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा डिप नहीं खाया, थोड़ा सा 5 या 10% का मार्जिन हिट सब खा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखिए तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं लोग, और सेल्स भी ऑलमोस्ट होता है ना लाइक क्लोज इनफ पहुंच गए हैं, बट मैं पॉइंट इज कोविड के टाइम पे जो बूस्ट मिला है ना, वो कंपनी ने उसको बहुत ज्यादा छोड़ा नहीं है। 75 करोड़ का सेल्स अभी भी किया है इस कंपनी 2023 तक। इम्पॉर्टेंट बात, बोरोइंग जीरो है। कंपनी छोटी हो तो बोरोइंग होना थोड़ा रिस्की हो जाता है कोई भी कंपनी के लिए, होता है स्पेशली छोटी कंपनी के लिए, और ये अच्छा चीज लगा मेरे को, कंपनी का बोरोइंग जीरो है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर का स्टेक 61.97% है, मैंने इनके बारे में देखा, दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, इंडस्ट्री लीडर्स हैं लोग अपने उस सेगमेंट में जो करना चाह रहे हैं, और सिल्वर रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और श्री इंदिरा डिस्टिलरीज और गणेश कुमार इज द मेन पर्सन जो हेड कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को। पब्लिक में 38 थोड़ा सा डरावना है, बट जो कि प्रमोटर के पास पूरा कंट्रोल है स्टेक का, और ये सब प्लस टेक लैब्स और ये सब होता है ना, ये सब भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है खुद दिग्गज अपने आप में, तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। फटाफट से आ जाते हैं कि चार्ट के ऊपर में, जब मैं चार्ट को देखता हूँ ना तो थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ इस शेयर को लेके। उसका रीजन ये है कि अभी काफी भाग गया है,
मेरे हिसाब से आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए जहां पे होता है ना ये 120 से लेके 110 के रेंज में आता है। एक बार वो यहाँ पे आ जाएगा ना तो बहुत ही लुक्रेटिव सा एक जोन बन जाता है यहाँ पे, और ये जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है ना वो यहाँ पे हो जाएगा ना एक बार, तो फिर ये एक अच्छा रनअप ले सकता है 400 की ओर। क्योंकि अगर आप देखिए पिछले बार भी 340 से 350 के रेंज पे ठंडा पड़ गया था, अगर ये 340 से 350 को तोड़ेगा तो 400 की तरफ भी जाएगा, जो मेरे को लगता है हो रहा है, क्योंकि डबल बॉटम बन रहा है यहाँ से। देखिए यू शेप रिकवरी मेरे हिसाब से हो सकता है इसके अंदर। पर उसी के साथ आज के वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर